खबर उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर से है, जहां तहसील नकुड़ के अंतर्गत ट्रैक्टर ट्रॉली से हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए डंपर संचालकों का एक प्रतिनिधि मंडल पंकज राठौड़ के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उपजिलाधिकारी रम्या आर से मिला। पंकज राठौड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रभारी व आसपास के क्षेत्र से यमुना नदी से नकुड़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अवैध खनन से भरी 50-60 ट्रैक्टर ट्रॉली रोज सवेरे गुजर रही है, जिससे रॉयल्टी वाले डंपर संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि माननीय न्यायालय की रोक के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है अवैध खनन का काला कारोबार, आखिर क्यों नहीं हो रही है कार्यवाही। डंपर संचालकों ने तत्काल अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग। अभी अवैध खनन के लेकर कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है और उसके ऊपर जांच हो जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। पंकज राठौर जी, आज आप SDM कार्यालय पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला अवैध खनन का है जी। जो पभारी और आसपास के क्षेत्रों से जो ट्रालियां निकल रही है विदाउट रॉयल्टी, और उन्होंने आतंक मचा रखा है पूरे एरिया में, और हमने इसी उसमें ज्ञापन दिया है SDM साहिबा को। लगभग कितनी ट्रॉलियां निकल रही है? 50-60 ट्रॉलियां डेली सुबह निकलती हैं। किस समय निकल रही है भैया? 4-5, 6 बजे तक। आपके पास कोई प्रूफ है उन चीजों? जी, बहुत बढ़िया प्रूफ है हमारे पास में, वीडियोस है उनकी सारी। और आपको क्या आश्वासन मिला है? मैडम ने कहा है कि जांच करा करके कार्रवाई करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।